इतना क्रेज है इस डिजाइन का और आज तक बजाज को जरूरत नहीं पड़ी इसको चेंज करने की। इनको कंपटीशन दे रही है यार, तुम मानोगे 14 साल पुराना डिजाइन है ये, 14 साल पुराना। हाँ। आज भी वैसा ही है। हाँ। बाइक है कि इसका क्रेज आज भी उसमें है, जबकि ये बाइक कितनी साल पुरानी है तुम्हें पता होगा, 14 साल पहले ये बाइक लॉन्च हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिनेमैटिक्स बना रहा हूँ, सिनेमैटिक मैं बनाऊंगा, खाली टेढ़ा पकड़ा हुआ है गोप्रो सिने। सब बढ़िया हो गया, डूइंग वेल इन लाइफ। तो भाई आज है हमारे साथ पल्सर 220, जिसका क्रेज यूथ में आज भी है। ये इतनी लीजेंडरी बाइक है कि इसका क्रेज आज भी यूथ में है, जबकि ये बाइक कितनी साल पुरानी है तुम्हें पता होगा, 14 साल पहले ये बाइक लॉन्च हुई थी। तो भाई ये एक स्पेसिफिक बाइक आती है कॉर्पोरेटर के साथ, और इसका इंजन है 220 सीसी का, तुम पता ही होगा 89 Nm का टॉर्क देती है 7000 RPM पर। और जब तुम इस पर बैठ, तुम जालो ये कूड़े ही कर देंगे हमारी वीडियो को। जब तुम इस पर बैठ के एक बार इसको फील करोगे ना भाई, तुम्हें मज़ा क्या आएगा, मतलब एकदम से अभी बाइक पुश करती है। और यार ये बाइक जैसे तुम बताओगे 14 साल पुरानी है, और इसमें कोई भी इनोवेशन नहीं हुआ है इसके इंजन में, वैसा का वैसा ही है। बट आज भी तुम अगर टक्कर के मुकाबले में देखोगे, लुक्स में देख लो या इंजन में देख लो, ये बाइक आज भी टक्कर देती है। आज के टाइम पर 200 cc बाइक्स लॉन्च हो रही है, जैसे तुम देख लो KTM हो गई, पल्सर हो गई, जो इनकी खुद की पल्सर RS देख लो, उसको भी टक्कर देने का साहस रखती है। बट अब ऐसा भी नहीं सोचना कि उसको हरा ही देती है, हरा ही कैसे, 14 साल पुरानी बाइक है, बट फुल टक्कर देने का साहस तो रखती है। पहले हम इसके स्टार्ट करते हैं रेयर लुक से। तो भाई देख लो ऐसा कुछ रेयर लुक आते हैं ऑन करना, स्टॉक हेड लैंप्स है, हेलोजन है, कोई भी वो नहीं है बड़े। बट देखो कितने इनोवेटिव तरीके से बजाज ने, सबसे ज़्यादा क्रेज़ तो इन्हीं का था। हाँ, सबसे ज़्यादा क्रेज़ भी इन्हीं का था, और बजाज ने इनको कितने इनोवेटिव तरीके से बनाया था, ज़्यादा नहीं था। इधर हैलोजन है, और तुम्हें दिखा दूँ इधर भी हैलोजन है, ये हैलोजन है, ये हैलोजन है, ये प्रोजेक्टर है, बट हैलोजन है, ठीक है। और बजाज का एक मोटो है, अभी तक था जब तक 250F और N215 लॉन्च नहीं की थी, कि वी बिलीव इन हैलोजन, बट अब उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। ब्रेक्स देख लो, वाइब्रेक के ब्रेक्स आ रहे हैं इसमें, और पहले नहीं आते होंगे। तो MRF के इसमें टायर आते थे, अगर आ गया MRF है तो पीछे भी MRF ही होगा। हॉर्न सुन लो, हॉर्न सुनाते हो, वही बजाज का एक हॉर्न जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तुम पता होगा। और ऑयल कूल्ड इंजन है। हाँ, ऑयल कूल्ड इंजन है। और बजाज ने इस बाइक को ना इतने तरीके से लॉन्च किया तुम सोच नहीं सकते। मतलब अगर देखा जाए ना कि कलर चेंज करने वाली स्कीम किसने लाई थी, वो मुझे लगता है बजाज ने लाई थी, क्योंकि बजाज ने इस बाइक को बहुत अलग अलग कलर्स में लॉन्च किया है। इवन येलो कलर में भी ये बाइक आ चुकी है, ब्लू लगा लो, येलो लगा लो, और ब्लू एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक तो सबसे सही लगती थी, मेरी पर्सनल फेवरेट है। फिर ग्रे एंड ब्लैक भी एक एडिशन आया था, येलो भी आता था। हाँ, और ग्रे नहीं, वाइट और ब्लैक आया था विद रेड लाइनिंग्स, रेड स्ट्राइप्स थी उसमें। हाँ, वो भी काफ़ी अच्छी। और इस बाइक पे आगे तो है नहीं वैसे, बट यहाँ पे देख लो ये भी, क्योंकि ये बाइक अभी 5-6 साल 2-3 साल पुरानी है, तो इसमें तो ये आ रहा है। बट वैसे जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे नहीं आता था, और कोई नहीं टेंशन, मतलब जब वो वाली बाइक भी दिखाएंगे तो जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी। बट पहले ये देख लो डुअल डिस्क, और भाई इस बाइक पे उस टाइम पे भी डुअल डिस्क आता था, कार्बोरेटर को हवा देते थे। हाँ, और कार्बन फिनिश बजाज वालों ने दिया हुआ है, और थोड़ी बहुत थुक भी है। और तुम इसके लुक्स देख लो, सिनेमैटिक्स तुमने देख लिया है, बाइक कैसी लगी जरूर बताना। और बाइक बता दूँ कि ये बाइक ना अभी जो भी बाइक देख रहे होगे तुम, 160 cc होगी, 200 cc, वो मोस्टली आती हैं 4 वॉल में, बट ये बाइक 2 वॉल में आती थी। ऐसे अभी तुम कोई भी KTM की बाइक देखोगे, कोई बाइक देखोगे ना, उनको 4 वॉल में आती है, बट ये बाइक 2 वॉल में इनको कॉम्पिटिशन दे रही है। यार तुम मानोगे 14 साल पुराना डिज़ाइन है ये, 14 साल पुराना।
आज भी वैसा ही है। हाँ। और इन्होंने क्या कर दिया, 180 आती थी नॉर्मल पल्सर में आती थी, उसको भी ये डिजाइन दे दिया। इतना क्रेज है इस डिजाइन का, और आज तक बजाज को जरूरत नहीं पड़ी इसको चेंज करने की, बट उनको कर लेना चाहिए था क्योंकि अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। मैं नहीं कह रहा कि पूरा डिजाइन चेंज करना चाहिए था, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन थी जो उनको काम करना चाहिए था, जिसपे जैसे कि हमने ओनर से पूछा, दोनों ओनर्स की एक दो कंप्लेंट्स थी इसको लेके। एक थी चेन सेट, इसका चेन सेट में बड़ा प्रॉब्लम है जो बजाज ने आज तक सॉल्व नहीं किया है। चेन सेट का प्रॉब्लम है वो, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, एक चेन सेट का प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम जो इसमें बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है, वो आता है इसके इंजन में। इसके इंजन का जो ये हेड है, इसको पूरा खोलना पड़ता है, और इसके हेड को खोलने के बाद इसमें एक टाइमिंग चेन होती है, उसको 4-5 साल या 2-3 साल बाद खोलना पड़ता है इंजन को पूरा, और उसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो टूट जाती है और इंजन में ठक 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 आवाज़ आती है। और वो हर 220 का वो है ये प्रॉब्लम। देखते हैं ओवर टू केवी भाई। और भाई बाकी तुम्हें अगर इस बाइक के एडवांटेज बताए जाएँ, डिसएडवांटेज बताया जाए अभी के हिसाब से, तो भाई एडवांटेज इसमें यही है कि अभी है बाइक लुक्स के हिसाब से देखो अभी भी मतलब ओल्ड नहीं लगेगी तुम्हें। पावर टॉर्क पिकअप, पावर टॉर्क पिकअप वो सब आ गया एडवांटेज में, ठीक है। एडवांटेज तुम्हें कहीं मिल जाएगी, डिसएडवांटेज बता दें। डिसएडवांटेज इसका भाई है चेनसेट इसका। और यार इसका ना एक और यहाँ पे एक पार्ट है नीचे, वो भी वहाँ पे क्या हो जाता है, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, एक लूज़ हो जाता है थोड़ा सा, इतनी सी गैप आ जाती है उसमें नीचे, उसको भी वापस उसको पूरा बंद करना पड़ता है थोड़ा सा, उसको पूरा वो वैक्यूम जो खुला होता है इतना, उसको बंद करना पड़ता है, उसके बाद वो एक और आवाज़ आती है इसमें से, वो बंद हो जाती है। और हर एक फेयर बाइक की प्रॉब्लम बताता हूँ मैं तुम्हें, ये जो हमें ऑनर ने बताई है, देखो जब इसका स्टेयरिंग मोड़ते हैं ना, इसका मुँह एक ही तरफ रहेगा वो सीधा, तो जब वो मोड़ काटते हैं ना उनको मोड़ पर कुछ नहीं दिखता, रात के टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं दिखता मोड़ों, जब मोड़ काटोगे वो तो नहीं दिखेगा क्योंकि फिर ये सीधा ही देखेगी। और यही चीज़ R15 में भी आती है प्रॉब्लम, और KTM का मेरे को पता नहीं है, ठीक है, KTM का पूछ के बताऊंगा मैं आज। तो भाई 14 साल पहले देखो इस बाइक में हैलोजन देते थे वो, तब अच्छा लगता था, बट अभी भी देखो उन्होंने वही हैलोजन डिज़ाइन रखा है, इतना मोटे मोटे इंडिकेटर रखे हैं, जबकि कंपनीज अपने इंडिकेटर को स्लिम कर रही हैं, तो इनको भी LED इंडिकेटर्स दे देने चाहिए थे जो KTM को मिलते हैं भाई, वो लुक ही कुछ अलग ही तरह की निकालते हैं। अब अगर हम आफ्टर मार्केट लगाएंगे तो देखो इतना बड़ा सुराख भर तो नहीं ना पाएगा, तो आफ्टर मार्केट लगा के वो लुक आ भी नहीं पाएगी जो कंपनी देगी, तो भाई कंपनी को देना चाहिए था इंडिकेटर्स देता है कि कुछ ना कुछ एडवांसमेंट तो करनी चाहिए थी, हेडलाइट दे देते या पीछे वाली दे देते। वैसे ये 4-5 साल पुरानी बाइक है। हाँ। तो गाइस अब इसका एग्जॉस्ट नोट जो इसका मतलब आवाज़, इसकी आवाज़ के पीछे सब पागल थे तब भी और आज भी। हाँ आज इंजन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ पल्सर 220 चला के, और भाई बाइक में जोर तो है बट इसकी पिछली ब्रेक कम लग रही है भाई, क्यों लूज हो गई होगी। अच्छा तो भाई ब्रेक का मैं तुम्हें बता दूँ, पिछली ब्रेक का मैं कुछ कह नहीं रहा क्योंकि यार पिछली अभी इसकी लग नहीं रही है स्पेसिफिक की, आगे वाली तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वाइब्रेट वाइब्रेशन तो तुम्हें खुद अंदाज़ा लगा लो, RS में मिल रही हैं, KTM में मिल रही हैं, तो कैसी होंगी। और बाइक को एक जोर से बैठ जा, कस के बैठ जा, पक्का भाई पावर तो है भाई, पावर तो है, बट साथ में तुम देख लो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले ऑरेंज आता था, ब्लू आ रहा है, बट भाई और इस बाइक को चलाने में ना इसकी आवाज़ सुन की ही अलग सा फील आ रहा है, और ब्रेक्स तो बहुत ज़्यादा सही है, और लो RPM पे देखें इस बाइक को, लो RPM पे भी सही चल रही है, और पावर बहुत ज़्यादा ब्रूटल है इस बाइक की, मतलब ऐसा नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो यहाँ से मोड़ लेते हैं और ब्रेक्स तुम देखो, सुबह ने बताया था हमें इसका टर्न बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो
भाई अगली ब्रेक पे ही चल रही है ये, और मैं तुम्हें बता दूंगा यार मजा इस पे एबीएस में। हाँ, और मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, मौसम बहुत ज़्यादा सही हो गया, और इस बाइक को चलाने का मज़ा एक अलग ही लेवल पे है। देखो ब्लू कलर की लाइट्स हैं जो तुम्हें दिख रही होंगी, ये इस बाइक में ही आती है भाई। और कम्फर्ट है, हाँ कम्फर्ट है, राइडिंग कम्फर्ट और राइडिंग पोजिशन मुझे बेस्ट लगती है इसमें। हाँ, और माइलेज तो तुम्हें सही दे ही देती है, और लॉन्ग टूरिंग के लिए सही है। देखो ऐसा पोस्चर नहीं है R15 वाला कि तुम थक जाओगे, ठीक है। अब R15 वाले होंगे बड़े सारे, वो बोलेंगे उसको ऐसे चलाओ तो नहीं थकते हैं भाई, जैसी मर्जी बाइक हो तुम्हें पता चलेगा तुम थक ही जाते हो, बट इस पे ऐसा नहीं है। और मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई हम क्रूज़र बाइक चला रहे हैं, और लव्ड बाइक है इंडिया की। बाकी तुम देख लो यार क्या ही देना, कार्बन फाइबर फिनिश दिया हुआ है उन्होंने, और इसको चलाने में भाई इतना मज़ा आ रहा है, मन नहीं कर रहा बात करने का उनसे। क्या भाई बस मन कर रहा है चलाए जाओ इसको। हाँ बस भाई चलाने मज़ा, और जो रियर ये है भाई वो ज़्यादा प्रैक्टिकल मिरर दिए हुए थे उन्होंने उस टाइम पे, और भाई खींचने में तो इसको क्या ही मज़ा होता है, मतलब इसको कोई निकालता भी नहीं था लुक्स की वजह से। हाँ ये मिरर्स हैं जिनका रखने का मन करता था कि हाँ भाई अच्छे लगते हैं, और इसी के हिसाब से फिर अब जो बाइक्स में आ रहे हैं मिरर उनको रखा जाता है। ये देखो सामने से भी आ रही है, क्या हुआ क्या कह रहा है, सामने से भी आ रही है। तो भाई करते हैं इसी के साथ इस एक वीडियो का एंड।